वन डे ट्रिप हुई सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपीस के अंदर। गुड मॉर्निंग, अब गुजरात आए और गुजराती डिश ना ट्राई किया तो ऐसा हो सकता है? वाओ, मैंने कभी इतना बड़ा स्टैच्यू अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सच बोलूं तो ये मेरे कैमरा में भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, काफी दूर से मैंने ये शॉट लिया था। ओके, सो नए सफर की शुरुआत हो चुकी है और आज मैं जा रहा हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विच इज इन गुजरात। सो फ्रेंड्स, अभी रात के 11:30 बज रहे और मेरी ट्रेन है 12 बजे की बोरिवली स्टेशन से। काफ़ी टाइम के बाद मैं आउट ऑफ स्टेट का वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ पहली वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे ये वन डे ट्रिप हुई सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपीज़ के अंदर। तो चलिए आप सीधा स्टेशन पे मिलते हैं, आगे का इन्फॉर्मेशन आपको वहीं देता हूँ। तो पहुँच चुके हैं बोरिवली स्टेशन और यहाँ से अभी हम लोग की ट्रेन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुँचने के लिए आप लोगों को ट्रेन सबसे कन्वीनियंट और चीपेस्ट ऑप्शन है अगर आप लोग मुंबई से आ रहे हो तो, वरना अगर आप लोग फ्लाइट से गुजरात जाते हो तो वहाँ से आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट से मिल जाएगी ट्रेन एकता नगर के लिए। तो एकता नगर बेसिकली पहले केवड़िया स्टेशन था, अभी उसको एकता नगर नाम दे दिया है। तो अभी जो हम लोग की ट्रेन है वो दादर से आ रही है यहाँ पे, और दादर से फिर वो नेक्स्ट स्टेशन बोरुली रहेगा उसका, इसके लिए मैं बोरुली स्टेशन पे ही हूँ। और उसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाएंगे, फिर 6 से मैं पकड़ लूँगा मेरी ट्रेन जो मुझे सीधा एकता नगर सुबह 7:30 बजे पहुँचा देगी। तो ये ट्रेन कौन सी, क्या डिटेल्स है, सब आप लोगों को बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने के लिए आपको एकता नगर स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़नी है और मुंबई से डेली बेसिस पे ट्रेन अवेलेबल रहती है। दादर से हर रात को 11:50 को ये ट्रेन निकलती है एंड सुबह 7:25 तक आपको एकता नगर स्टेशन पहुँचा देती है। एंड रिटर्न के लिए भी आपको सेम ट्रेन मिलेगी, एकता नगर से 9:25 को ये ट्रेन निकलती है और सुबह 5:30 बजे दादर स्टेशन पहुंचा देती है आपको ये ट्रेन। तो फ्रेंड्स, बैठ चुका हूँ मैं अपनी सीट पे और इस ट्रेन की खास बात ये है कि ये रात को होती है 12 बजे, बोरुली से जाती है 12:10 पे और सुबह 7:30 बजे आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगी, यानी कि एकता नगर पे जहां हमें उतरना है और वहीं से आएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो अब डायरेक्ट सो जाएंगे, देखो ट्रेन भी स्टार्ट हो गई है, धीरे 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 स्टार्ट हो चुके। हेलो, तो अभी पहुंचेंगे, तो चलिए अब सीधा सुबह मिलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एंट्री की टिकट बुक करते हैं। तो चलिए अब सीधा सुबह मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी वेबसाइट पे जाना होगा, मैंने वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिखेगा SOU एक्सप्रेस एंट्री और सेकंड SOU व्यूइंग गैलरी और थर्ड SOU एंट्री टिकट। तो कोई भी एंट्री टिकट बुक करने से पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। बुक टिकट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और वहाँ से आपको OTP आएगा और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। फिर ये इजीली लॉगिन करने के बाद आपको आपका टिकट बुक करना है। मैंने SOU एक्सप्रेस एंट्री का टिकट इसलिए बुक नहीं किया क्योंकि ये 1030 रुपीज़ का था और इसमें सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि आप लोग कोई भी टाइमिंग में एंट्री ले सकते हो पूरे दिन में, तो सिर्फ ये फायदा है SOU एक्सप्रेस एंट्री का। और दूसरा टिकट है SOU एंट्री टिकट जिसका रेट है ओनली 150 रुपीज, बट इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि आपको सिर्फ बाहर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने मिलेगा, यानी कि सिर्फ कंपाउंड से आप अंदर नहीं जा सकते और इवन टॉप फ्लोर पे नहीं जा सकते। तो मैंने स्मार्ट और एकदम वाइज डिसीजन लिया, मैंने टिकट बुक किया 380 रुपीज़ वाला जो कि SOU व्यूइंग गैलरी का था। तो SOU व्यूइंग गैलरी में ये एक फ़ायदा है कि आपको एंट्री तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही में आपको ऊपर भी जाने मिलेगा टॉप फ्लोर पे और वहाँ से भी व्यू देखने मिलेगा, इवन आप अंदर म्यूजियम भी घूम सकते हो। तो ये बेस्ट टिकट है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा। और इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि आपको आपका टाइम स्लॉट डिसाइड करना पड़ता है कि आप लोगों को 8 से 10 के बीच में जाना है या 10 से 12 के बीच में। पूरे दिन में आप कभी भी एंट्री नहीं ले सकते, बट क्या फायदा पूरे दिन में कभी भी एंट्री लेके। तो वैसे भी आपकी ट्रेन तो आपको सुबह 7:30 बजे पहुंचाएगी, तो आप लोग 8 बजे का स्लॉट बुक कर सकते हो, बट आप ट्राई करना 10 बजे वाला स्लॉट बुक करने के लिए क्योंकि वो टाइमिंग सबसे बेस्ट होता है। तो ये कैसे पता चलेगा आप लोगों को वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं, तो स्टे ट्यून और SOU व्यूइंग गैलरी का ही टिकट बुक कीजिए। गुड मॉर्निंग, पीकॉक तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। तो गाइज, अभी बज रहे 7:30 और ट्रेन हम लोग की थी 7:25 की,
जो 7:25 को पहुंचने वाली थी ये वाली ट्रेन, बट अभी 7:30 बज रहे हैं, यानी कि ट्रेन लेट है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने 10 बजे वाला स्लॉट बुक किया था, प्लीज़ आप लोग भी 10 बजे वाला स्लॉट बुक कीजिए, क्योंकि द सीनियर्स की ट्रेन का टाइमिंग कभी लेट भी हो सकता है या कभी टाइम पे आ सकती है, कुछ भरोसा नहीं रहेगा। तो रादर देन अगर आप लोग 7:30 की बजे 8 बजे पहुंचो, वहां पे एंट्री शुरू हो जाएगी। और ये जो 380 वाला टिकट है ना, इसमें स्लॉट वाइज अंदर लेते हैं, तो अगर मेरा 10 से 12 है तो मैं सुबह 8 बजे के स्लॉट में नहीं जा सकता, इसलिए मैंने 10 बजे वाला स्लॉट बुक किया। क्योंकि जैसे ही मैं स्टेशन से उतरूँ, थोड़ा फ्रेशन अप हूँ, नाश्ता करूँ और फिर आराम से मैं पहुँचूँ वहाँ पे 10 बजे तक, वरना 8 तो अभी यहीं बच जाएंगे आधे घंटे में, और अभी तो बहुत रास्ता बाकी है। इसलिए तो आप लोग भी यही स्मार्ट वर्क करना जो मैंने किया था। स्टेशन पहुंच के मैं एकदम शॉक हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि स्टेशन काफ़ी बड़ा है और काफ़ी क्लीन है। सो पहुंच चुके एकतानगर स्टेशन, अभी वेटिंग रूम में जाते हैं, थोड़ा वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, चेंज करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, नहाते, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग स्टेशन से बाहर जाओगे और इस तरफ है वेटिंग रूम जेंट्स और लेडीज़ का। पानी की भी सुविधा है यहाँ पे, फ्री ड्रिंकिंग वाटर। तो फ्रेंड्स, वेटिंग रूम काफ़ी क्लीन था और वहाँ के वॉशरूम्स भी क्लीन थे, और मैं फ्रेशन अप होके निकल गया स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर। वेटिंग रूम से बाहर आ चुके हैं और अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ। स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी क्लीन है और बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह काफ़ी शांति है और ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। मुझे लगा था सैटरडे संडे को बहुत क्राउड रहता रहेगा, लेकिन पब्लिक है ही नहीं, बहुत कम पब्लिक है। अभी देखते हैं आगे जाते हैं, बस का टाइमिंग वगैरह पूछते हैं। एंड बाय द वे, इट्स अ फ्री बस सर्विस। तो स्टेशन से बाहर आते ही आप लोगों को एक यहाँ पे रिसॉर्ट भी मिल जाएगा, अगर आप लोगों को स्टे करना है तो ठीक है, क्योंकि मैं तो वन डे ट्रिप आप लोगों को बताने वाला हूँ बजट में। और यहाँ पे पेट्रोल पंप है और वो रहा मैकडॉनल्ड, तो वहाँ पे भी जाएंगे थोड़ी देर के बाद मैकडॉनल्ड में, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाएंगे, नाश्ता करेंगे, क्योंकि ये मैकडॉनल्ड 11 बजे खुलता है सुबह, तो अब तो बज रहे 8, तो अभी यहाँ बस का वेट करेंगे और वहाँ जाके नाश्ता करेंगे। सो बाय द वे, जो हम लोग की 7:25 की आने वाली थी वो तो अब आके गई भी, और अभी जो 8:35 की आ रही है ना, तो उस हिसाब से बस का टाइमिंग एडजस्ट होता है। जैसे अभी 8:35 की है तो 8:35 तक बस भी आ जाएगी, क्योंकि ये एक्चुअली ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से इन लोग बस एडजस्ट करते हैं। तो जैसे ही 8:35 की ट्रेन आएगी तो बस भी यहाँ पे आ जाएगी, और जो कि फ्री बस सर्विस है, डायरेक्ट आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी लेके जाती है। वो आपके टिकट के अंदर ही इंक्लूड होता है, जो आप लोगों ने 380 वाला टिकट कटाया था ना, उसमें फ्री बस सर्विस है, वो तो अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, और बस हम लोग को लेके जाएगी सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो वहाँ की भी एंट्री 380 रुपीज़ वाले टिकट में हो गई, और 2 फ्री सर्विस है, वो भी आप लोगों को वीडियो के दौरान बताता हूँ। जैसे ही आप लोग प्लेटफॉर्म से बाहर निकलोगे, आपको इंक्वायरी काउंटर भी मिल जाएगा, यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, और यहाँ पे भी है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, और यहाँ पे भी आप जाके इंक्वायरी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बस आ चुकी है और फ्री सर्विस है, ये आपके टिकट में इंक्लूड होती है। तो चलिए अब चलते सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर। सो बैठ चुके हैं फ्री एसी वाली बस में और हम लोगों लेके जाइए अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टेशन से फ्री बस सर्विस का यूज़ करके हम लोग पहुँच गए स्टैचू ऑफ यूनिटी के बस स्टैंड पर, और वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा नाश्ता भी किया। अभी बस स्टेशन से हम लोग बाहर जाने वाले हैं, तो अब बस स्टॉप से बाहर जाते हैं और आगे जाके नाश्ता करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग ने मंगाया खमन और पोहा। अब गुजरात आए और गुजराती डिश ना ट्राई किया तो ऐसा हो सकता है, और साथ में हम लोग ने मंगाया है वड़ा पाव भी। तो ये है वड़ा पाव यहाँ का, बहुत गर्म है। तो चलिए अब नाश्ते को थोड़ा एंजॉय करते हैं, और इसका टोटल एक्सपेंस हुआ है सिर्फ 60 रुपीज़, 20 20 20, तो 20 20 20 यानी कि 60 रुपीज़। तो दो लोगों में आराम से 30 रुपीज़ में आपका नाश्ता हो जाता है। ये दो लोग भी फिनिश नहीं कर पाएंगे, और फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे अच्छे से फिनिश करने का। तो अब नाश्ता करते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की ओर। सो नाश्ता करके हो गया, जस्ट बस स्टॉप के सामने ही आपको मिलेगा ये प्रवीण टी हाउस और ये सृष्टि नाश्ता हाउस करके कुछ है। अच्छा था नाश्ता, 30 रुपये में पेट भर गया यार, अभी दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। तो चलिए अब चलते सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। वन मेजर सीवियर अपडेट, सीन ये हो गया कि वहाँ जाके मुझे पता चला कि बैग को लॉकर में रखना है, और मैंने रखा ही नहीं था, मैं गेट की तरफ चला गया था नाश्ता करने के बाद। बट अभी आया हूँ, अभी बैग को ये लॉकर रूम में रखने वाला हूँ। सो ठीक है, गलती मैं कर रहा हूँ, सीख आप लोग रहे हो, तो देखते रहिएगा मेरी वीडियोस को, बहुत काम आते हैं, इसलिए सब्सक्राइब टू माय चैनल आल्सो। तो ये है लॉकर रूम, यहाँ पे मैंने बैग जमा करवा लिया है, और ये टोकन नंबर है मेरा 168,
और पानी की बोतल मेरे बैग में थी तो मैंने रख ली अपने पास में, क्योंकि अंदर पानी काफ़ी महंगा मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं, अंदर जाते हैं। सो अभी गेट नंबर 4 से हम लोगों ने एंट्री की, यहाँ से अब सीधा आके आपको राइट लेना है और इस तरफ जाना है, चलते हैं। आसपास काफ़ी ग्रीनरी है और बहुत अच्छे से सेटअप किया है इस जगह को। और हाँ, साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन्स है तो वो लोगों के लिए व्हीलचेयर भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब सीट्स लगी हुई है, ये एक्चुअली साउंड एंड लाइट शो के लिए। आप लोग यहाँ पे बैठोगे तो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी पे साउंड एंड लाइट शो दिखेगा, वो मैं आप लोगों को शाम को बताऊँगा क्योंकि ये 6 बजे के बाद शुरू होता है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक कराने के बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ। यहाँ पे एस्केलेटर भी दिए हुए हैं, आप लोग एस्केलेटर का यूज़ भी कर सकते हो और ये काफ़ी इजी पड़ेगा आप लोगों को वहाँ तक पहुँचने के लिए। वाव, मैंने कभी इतना बड़ा स्टैचू अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। सच बोलूँ तो ये मेरे कैमरा में भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, काफ़ी दूर से मैंने ये शॉट लिया था। तो गाइज, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को बता दो कि मैंने 150 वाला टिकट क्यों नहीं लिया, बिकॉज अगर आप लोग 150 वाला टिकट लोगे तो आपको सिर्फ यहीं तक देखने मिलेगा, यहीं तक मिलेगा आने के लिए, और अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने 380 वाला टिकट बुक किया ताकि अभी मैं अंदर जा सकूँ और डायरेक्ट हम लोग टॉप फ्लोर पर जाएंगे। तो आप लोग भी यही करना, पैसे बचाने के चक्कर में ये मत करना कि आप लोग सिर्फ 150 वाला टिकट ले रहे हो, उससे क्या होगा, फिर आपको यहीं तक बाहर तक ही देखने मिलेगा, अंदर जाने नहीं मिलेगा। और अंदर म्यूजियम भी है, गैलरी भी है और ऊपर एक बड़ा सा लिफ्ट भी है जो बहुत जल्दी पहुँचा देता है ऊपर। तो अभी हम लोग जाएंगे टॉप फ्लोर पे। तो चलिए लेट्स गो। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर है और तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे स्टैचू की स्थापना हुई, ऐसे 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 करके ऐसे कंप्लीट किया गया स्टैचू को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में इवन स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। वाव, और हाइट है 182 मीटर्स। अमेजिंग, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा। यूएसए, जापान, चाइना से भी आगे हम लोग हैं। वाव, चलिए अब अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये म्यूजियम काफी बड़ा है, काफी स्पेशियस है और फुल्ली एयर कंडीशन भी है। जिनको हिस्ट्री का बहुत इंटरेस्ट है और जिनको गाइड सर्विस चाहिए, उनको यहाँ पे फ्री में गाइड सर्विस मिलता है, बट सिर्फ उनके लिए जो लोग 35 के ग्रुप में हैं और वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। यहाँ पे स्टैचू की मेकिंग का बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप लोग काफी डिटेल में रीड कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को वीडियो के थ्रू भी बताया जाएगा कि कैसे स्टैच्यू को बनाया गया था। ये वीविंग गैलरी में जाने के लिए एलिवेटर्स का सेक्शन है, आप लोगों को आपका जो बुकिंग किया हुआ टिकट यहाँ पे दिखाना होगा और सीधा अंदर जाना होगा, और अंदर जाके आपको एक लिफ्ट मिलेगा, उसी के थ्रू आप लोग जाओगे ऊपर। फ्रेंड्स, अभी एलिवेटर की लाइन में हम लोग अभी अंदर जाएंगे, बस 2 मिनट का लाइन होता है, तो काफी लोग बाहर आ गए, अभी हम लोग अंदर जाएंगे। जिस लिफ्ट में अभी हम लोग जा रहे हैं वो 38 सेकंड्स में 45th फ्लोर पे हमें पहुंचा देती है। हाई स्पीड एलिवेटर है इसलिए आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप लोग इतनी जल्दी कैसे ऊपर आ गए। तो अभी हम लोग पहुंच चुके एकदम टॉप फ्लोर पे, यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ से आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर इसलिए है क्योंकि गुजरात में जो विधानसभा की सीट है वो भी 182 है। ये नर्मदा रिवर के किनारे पे बनाया गया है एंड इसे बनने में 3.5 साल लग गए थे एंड टोटल कॉस्ट 2,700 करोड़ रुपए हुआ था। एंड सच में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत अच्छी जगह है। बहुत ही अमेजिंग व्यू दिख रहा है गाइस डैम का और बहुत ही अच्छा लग रहा है ऊपर आके, बहुत मजा आ रहा है। आप लोग भी आइए आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और बहुत एंजॉय कीजिए यहाँ पे। हम लोग इतने ऊपर आ चुके हैं कि आप लोग उनका जो सेकंड बटन है वो देख सकते हो, ये उनका सेकंड बटन है शर्ट का,
उसके हम लोग नीचे सही ना। जब मैं दुबई में बुर्ज खलीफा गया था उससे भी अच्छा लग रहा है मुझे। आप लोग मेरा बुर्ज खलीफा वाला वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ गया था, वहाँ पे इतना मज़ा नहीं आया था जितना यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स यार अपने इंडिया का है तो प्राउड तो फील होगा ना। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग वहाँ से आए थे, वो है बस स्टेशन, वहाँ से चल के अंदर, फिर सिक्योरिटी चेक इन कराया और फिर एस्केलेटर की मदद से स्टैचू के अंदर आ गए हम लोग। और अभी है हम लोग टॉप फ्लोर पे और नीचे आके आपको काफ़ी अलग अलग चीज़ें दिखेंगी जो हमारी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे ये वाली, जहाँ पे मुझे प्लेज अपना चूज़ करना था। जैसे मेरा नाम और एज और लोकेशन डालने के बाद मैं अपना प्लेज चूज़ करूँगा और मुझे मेरा प्लेज बड़े स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। दिस इज़ सो अमेजिंग ना। ये गैलरी इतनी बड़ी है और इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको पूरा घूमने के लिए 3 से 4 घंटे लग ही जाएंगे। इसके अंदर आपको थिएटर भी मिलेगा जहाँ पे आप आराम से इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो बड़े पर्दे पे देख के। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों ओके तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करके हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए क्योंकि बहुत भूख लगी है। बहुत धूप भी है यहाँ पे, मुंबई में तो काफी बारिश हो रही है लेकिन गुजरात में गर्मी है बहुत। तो बहुत मजा आया गाइस, आप लोग आपकी फैमिली के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जरूर विजिट करना। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। और अभी हम लोग थोड़ा खाना खाएंगे, फिर आगे क्या क्या घूमने वाले वो भी आप लोगों को बताता हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं फूड कोर्ट में, चलिए अंदर चलते हैं। ये फूड कोर्ट में इन्वायरमेंट मुझे अच्छा नहीं लगा और इवन यहाँ पे खाने के बहुत कम ऑप्शंस थे, बहुत ज़्यादा महंगे भी थे, इसलिए मैं स्टेशन की ओर चला गया था। तो गाइस फूड कोर्ट से बाहर आ गया हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे कुछ खास अवेलेबल ही नहीं था, बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल है, इसलिए मैं अभी आगे जा रहा हूँ। आगे देखते कुछ खाने के लिए है या नहीं, या फिर स्टेशन साइड पर जाके देखते कि कुछ अगर अवेलेबल हो अच्छा खास वर्थ तो अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पे सब्वे वगैरह है लेकिन उसके पास कुछ अवेलेबल ही नहीं था, इवन पिज़्ज़ा भी नहीं है। और पाव भाजी की क्वांटिटी देखी मैंने, इतनी सी थी जिसका रेट था 200 रुपया, क्या फ़ायदा। तो इट्स बेटर कि मैं बाहर जाके आगे जाके देखूँ कुछ और है क्या अवेलेबल, क्योंकि स्टेशन पे मैंने मैकडॉनल्ड देखा था तो अभी सोच रहा हूँ जाके मैकडॉनल्ड में कुछ खा लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। तो मैं ये सामने स्टेशन है और स्टेशन के सामने वाले मैकडी पे हूँ मैं। या दिस इज़ द मैकडी। सो फाइनली आ गया मेरा लंच। तो फ्रेंड्स इस मील का कॉस्ट हुआ सिर्फ 149 रुपीज़ और स्टेशन के बाहर ही है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो रहा स्टेशन एकता नगर स्टेशन और उसके जस्ट सामने जो पेट्रोल पंप है उसी के पास है ये मैकडॉनल्ड। तो आप लोग भी आइए और यहीं पे लंच कीजिए। और द सीन इज़ कि मैं नर्मदा डैम देखने नहीं गया क्योंकि वो सिर्फ एक व्यू पॉइंट पे खड़े रह के आपको दिखाते हैं जिसकी फ्री सर्विस है, बट फिर भी मैंने नहीं ली, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं स्टेशन आ गया। अभी आप खाऊंगा, थोड़ा आसपास विजिट करूंगा और फिर रात की सेम ट्रेन से मैं निकल जाऊंगा मुंबई के लिए। सो मैकडी में बहुत कुछ खाया और बहुत वक्त बिताया हम लोगों ने वहाँ पे और अभी आ चुके हम लोग स्टेशन की तरफ। मैंने नर्मदा डैम विजिट नहीं किया और एक जो जंगल सफारी है वो भी विजिट नहीं किया बिकॉज नर्मदा डैम का जो सीन था वो आप लोगों को सिर्फ एक व्यू पॉइंट पर लेके जाएंगे और वहाँ से दिखाएंगे तो इतना खास नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने स्टैचू ऑफ यूनिटी से भी वो देखा और साथ ही साथ जो जंगल सफारी है उसमें भी आपको कुछ मज़ा नहीं आएगा बिकॉज वो जो बाइकाला वाला अपना जू है वैसा ही है। और मेरे को एक्चुअली पर्सनली बोलूँ तो जानवरों को जब मैं ऐसे केज में देखता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ख़राब लगता है। इसलिए हम लोग अभी डायरेक्ट स्टेशन पर आए और 4 बज रहे, बहुत धूप है गाइस, बहुत धूप है, सच में इतनी गर्मी हो रही है ना पूछो मत। तो अभी स्टेशन पे और 4 घंटा निकालेंगे, फिर बस 9 बजे अपनी ट्रेन है, सीधा निकलेंगे घर के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को प्रेजेंट करता हूँ मेरा बजट ब्रेकडाउन कि कैसे मेरा 1300 के अंदर पूरा 1 डे ट्रिप हो गया विद ट्रेन टिकट्स एंड विद द एंट्री टिकट एंड विद फूड ऑल्सो। तो ये है वो बजट ब्रेकडाउन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल फ्रॉम गुजरात। सीधा मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में जो कि होगा मुंबई से।